तो लाइसेंस तो ज़रूरी है. आपका लिटरेसी रेट पाकिस्तान का आपको पता है क्या है? बहुत बेकार है. कितना है परसेंटेज, कुछ आइडिया है? भाई 40s में और 50s में 46 इस तरह का है. और इसका फिर मुझे वो भी पता है कि उसका जो मेन क्या कहते हैं उसको, कि बेस ये है कि आपको सिर्फ लिखना आता हो और पढ़ना आता हो, सिर्फ और सिर्फ ये बेस है. इस बेसिस के ऊपर जो है आप एक पढ़े लिखे इंसान में शुमार होंगे. सोचो यार. एक सर्वे था लास्ट ईयर, 59% लोग अगर आपकी लिटरेसी रेट में आते हैं कि लिटरेट है, उनमें से भी वो परसेंटेज कुछ ऐसा है जो पढ़ नहीं सकते. वो लिटरेट हैं क्योंकि वो स्कूल गए हैं, पढ़ना नहीं आता उनको, एक सेंटेंस भी नहीं पढ़ सकते. तो ये हाल है आपके मुल्क का, इसीलिए काम करने की बहुत ज़रूरत है. और बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे हैं, स्ट्रीट स्कूल्स का आपने सुना था एक कॉन्सेप्ट? मैंने बिल्कुल सुना है. तो बड़ा अमेजिंग सेटअप था वो. बताएं जरा इसके बारे में. बहुत मज़ेदार. बताएं शुरू से, बताएं क्या होता क्या. लगी हुई थी रोड पे अंडर द ब्रिज. शुरू से बताएं क्या होता कैसे. स्ट्रीट स्कूल्स में ये होता है कि बहुत सारे बच्चे जो हमारे बच्चे हैं जो रोड पे मांग रहे होते हैं, भीख वगैरह का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है हमारे पास, तो उनको पकड़ पकड़ के ला के इंसेंटिव दिया गया था कि आप यहाँ पढ़ो एक घंटे, दो घंटे, तीन घंटे, और 50 rupees उनको दिए जाते थे ताकि उनके पेरेंट्स का प्रेशर कम हो जाए. और वहाँ उनको पढ़ाया जाता था, डिफरेंट टीचर्स होते थे, वो अपने रोटेशन पे चल रहा था स्कूल. फिर वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया. इनिशिएटिव में उसकी बुराई नहीं करूँगी क्योंकि दे वांटेड दो स्टूडेंट्स टू गो इनटू अ गवर्नमेंट स्कूल रादर देन स्टडी इन स्ट्रीट स्कूल्स. बट ऑब्वियसली इंसेंटिव्स नहीं थे वहाँ पे. गवर्नमेंट स्कूल में तो आप बच्चे नहीं जाते ना, पेरेंट्स ही नहीं भेजते, टीचर्स ही नहीं जाते हैं. बच्चे तो शायद बाद में जाएंगे. टीचर्स का मैंने सुना है कि हालात बेहतर हुए हैं थोड़े से. आई होप सो. सुनने में आया है काफ़ी. शहजाद रॉय बहुत काम करता है. हाँ मैंने सुना है. बहुत अच्छा काम. हमने उनकी कैंपेन भी देखी थी. बहुत अमेजिंग. ये लाइसेंसिंग वगैरह का भी सब कहीं ना कहीं मैंने सुना है उनका रोल है इसमें. एग्जैक्टली मुझे नहीं पता तो आई विल नॉट कोट, बट काफ़ी काम करते हैं वो इस पर. बल्कि दो गवर्नमेंट स्कूल्स को तो प्रॉपर ट्रांसफॉर्म कर दिया उन्होंने. तो ही इज़ वर्किंग अलॉट. छोटे छोटे और कुछ स्कूल्स हैं. एक स्कूल है स्ट्रीट टू स्कूल के नाम से, गरीबाबाद की तरफ है. वो क्या करते हैं कि उनका इंसेंटिव ये है कि हर जुम्मे को वो बच्चों को खाना देते हैं, घर ले जाएं बच्चे, दो फैमिलीज़ के लिए अनफ हो जाता है तो वो खा लेते हैं. तो उस चक्कर में फैमिलीज़ उनको स्कूल भेजती हैं क्योंकि उसमें ये है कि अगर आपने छुट्टी कराई हफ्ते में एक दिन भी तो वो नहीं मिलेगा आपको मील. तो यू नो छोटे छोटे लोग बहुत काम कर रहे हैं. बहुत लोग काम कर रहे हैं. बहुत लोग काम. आई रियली लव इट. आई रियली रियली लव इट. इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ होप एज़ वेल. विदाउट एनी इंसेंटिव कोई उनको कुछ मिल नहीं रहा है इससे. मतलब मैं बोलूँ ना सिवाय सेटिस्फैक्शन के, कि आपको सुकून की नींद आती है, मॉनेटरी टर्म्स में कुछ भी नहीं मिलता.